गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज हम लोग निकले थे फ़िश की शॉपिंग करने वैसे शॉपिंग ही बोलेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सी फूड लवर हूँ और सबसे ज़्यादा झींगे फिश तो मेरे हस्बेंड भी ये तो केकड़ा भी बहुत शौक से खा लेते हैं केकड़ा तो मैं नहीं खाती कभी ट्राई भी नहीं किया करूँगी कभी ज़िंदगी में तो हम लोग निकले थे तो मैंने कहा चलो छोटा सा एक वीडियो बना लेते हैं ब्लॉग बना लेते हैं आपके साथ शेयर करेंगे फिर वहाँ से मैं वापसी में चेज़ भी होती हुई आई थी तो खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई क्योंकि हम जिस जहाँ गए थे वो मूसा कॉलोनी है तो वहाँ जाते जब वहाँ पहुँचे तो एक तो इतनी बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती हैं गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ी फिर पैदल चलना पड़ा फिर वो इतनी सी गलियों में चारों तरफ मछली की स्मेल पानी गंदा पानी फिर लोग टकरा टकरा के जा रहे थे तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं मैं निकाल सकी तो यहाँ मैंने झिंगे जो हमारे हस्बैंड साहब हैं उन्होंने एक नया तरीका पता नहीं कहाँ से सीख लिया कि पानी में सिरके में झिंगे भिगो कर रख देते हैं बनाने से एक घंटे पहले तो इन्होंने बनाई थी झिंगे की कढ़ाई और मैंने फिश दो दो किस्म की फिश थी हम नाम मुझे याद नहीं है कि ये थी छोटी वाली और एक दूसरे वाली दूसरी वाली थी दो, ये वाली मैंने छोटी वाली आज ही बना ली थी दो अलग अलग किस्म के मैंने मसाले लगाए थे इस पर मसाले आपको आगे बता दूँगी और ये है कि जो दूसरी वाली फ़िश मैंने मसाला लगाया था बड़ी वाली पे वो हमने सेकेंड डे खाई थी तो मसाले में बता दूं कि जस्ट मैंने जो शान का मसाला आता है चिकन का ओ सॉरी फिश का तो जस्ट फिश मसाला शान का उसके अंदर नींबू और लहसुन अदरक और अगर चाट मसाला है तो आप चाट मसाला भी इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से फ़िश पे मल कर आप उसे रख दें कम से कम दो चार घंटे तो रखें और जो दूसरा मैंने मसाला लगाया था वो ये था कि मैंने सिरका और ब्लैक सॉस और उसके अंदर यही वाला बाकी जो मसाला है नींबू नहीं डाला था बाकी सब यही करके डालता लेकिन वो अच्छी नहीं बनी थी ये चाइनीज़ स्टाइल में था लेकिन वो चाइनीज़ स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं था हमारा अपना देसी स्टाइल अच्छा था तो बस ये थी छोटी सी वीडियो मैंने सोचा था कि अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी कि सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या होता है लेकिन एकदम थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में और अंधेरा भी वहाँ हो गया था जगह बिल्कुल नहीं थी तो मैं नहीं बना सकी इंशाल्लाह कभी दिन की रोशनी में जाऊँगी और ज़्यादा रश नहीं मिला तो फिर बनाऊँगी